और झारखंड का चतरा जिला कहने को तो जिला है, लेकिन यहां के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं भी मयस्सर नहीं है। काफी समय पहले मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चतरा को गोद लिया था, लेकिन छोटे से इलाज के लिए भी लोगों को अब तरसना पड़ रहा है। चतरा की कड़वी हकीकत दिखाने से पहले हम आपको मुख्यमंत्री की वो घोषणा सुनाते हैं जो उन्होंने पिपरवार में एक जनसभा में की थी। दिल्ली का बत्ती तो जलता है हमारे यहाँ के कोयला से, जलता है कि नहीं जलता है, लेकिन हम लोग अंधेरा में क्यों रहेंगे? और इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने चतरा को क्या किया है, गोद लिया है। अब आप मुख्यमंत्री के गोद लिए गए इस जिले की हालत देखिए। लोग इसे जिले का सदर अस्पताल मानते हैं, लेकिन आज तक इसे सदर अस्पताल का दर्जा नहीं मिला है। 50 बेड वाले इस अस्पताल में ज्यादातर बिस्तर खस्ता हाल हैं। डॉक्टर नदारद रहते हैं और वार्डों में जानवरों का कब्जा रहता है। यहाँ तक कि मरीजों का इलाज मोबाइल की रोशनी में किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ। सदर अस्पताल कहने को है, लेकिन इसको अनुमंडल का दर्जा प्राप्त है, अभी तक इसको जिले का दर्जा भी प्राप्त नहीं हो पाया। अब आप इस जिले में बिजली, सड़क और शिक्षा की बदहाली की दास्तां यहाँ के निवासियों से ही सुनिए। सड़क की बात है तो सड़क तो किसी भी जिला के विकास का रीढ़ माना जाता है। आज घर से निकलने के पहले सोचना पड़ता है कि आज बारिश हुई है कि नहीं, यदि बारिश हो गई तो सड़क पर चलना मुश्किल। शिक्षकों की सर्वथा अभाव है और जिन योग्यता जितनी योग्यता शिक्षकों की चाहिए उतनी योग्यता है भी नहीं। पारा शिक्षकों की बहाली से उनका काम चल रहा है। इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यहाँ के लोग नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शायद ये भूल चुके हैं कि उन्होंने कभी इस जिले को गोद लिया था और यहाँ के लोगों से शहर में रोशनी लाने का वादा किया था। सुनील कश्यप, सहारा समय, चतरा।